पूज्य गुरुदेव श्री कमल नयन जैन से कह रहे हैं, गुरुदेव मैं मंदिर व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव इस वर्ष मंदिरों में व्यवस्था किस प्रकार हो, इस संबंध में आपका निम्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश अपेक्षित है कि किन्हें कितना और कैसे समय दिया जाए। 7 पॉइंट इन्होंने रखे हैं गुरुदेव। पहला पॉइंट इनका है कि मंदिरों में प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थी एवं पुजारी होते हैं, उन्हें कैसे व्यवस्थित करें। दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो कुछ लोग वर्षों से व्रत संपन्न कर रहे हैं, इस वर्ष भी करना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी के वे लोग हैं जो इस वर्ष से नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। चौथी बात उन्होंने ये जानना चाहा है गुरुदेव कि दैनिक पूजन के मध्य आरती होनी चाहिए या नहीं। पांचवा पूछा है कि रात्रिकालीन सामूहिक आरती होनी चाहिए या नहीं। छठे पॉइंट में पूछा है धूप दशमी, चतुर्दशी, अनंत व्रत, निर्वाण लाडू और क्षमा वाणी का हम पर्व कैसे मनाएं, और मंदिर जी में गंदोदक लेने देने का व्यवहार किस प्रकार से व्यवस्थित करें। ये गुरुदेव बहुत आवश्यक है उनकी दृष्टि से, और वैसे भी लोगों के लिए जानकारी होनी चाहिए। बहुत बताओ, 7 बातें, प्रश्न नहीं प्रश्न पत्र, एक एक करके उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, वर्तमान इस त्रासदी के दौर में ये एक बहुत गंभीर समस्या है, खासकर आने वाले पर्युषण पर्व के अवसर पर। लोगों के सामने समस्या ये है कि हम अपना धर्म ध्यान कैसे करें। हमें एक तरफ धर्म ध्यान भी करना है, दूसरा अपना और समाज का बचाव करते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करना है। ये आपत्काल है, और इस आपत्ति के काल को हमें काल के हिसाब से ही चलना चाहिए। इस आपत्कालिक स्थिति में हमें उसी अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। आम दिनों की तरह हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सारी गाइडलाइन में एक साथ 5 व्यक्ति से अधिक के मंदिरों में प्रवेश का निषेध है, और इसका पालन तो वहाँ करना ही है, और इसकी जिम्मेदारी मंदिर के प्रबंध व्यवस्था से जुड़े ट्रस्टों और पदाधिकारियों के ऊपर दी गई, तो उनकी ये जिम्मेदारी होती कि इसके करें। अब रहा सवाल पर्युषण पर्व में हम क्या करें। एक समय था जब मंदिर बंद थे तो दर्शन भी नहीं होते थे, अब मंदिर खुल गए हैं तो आपको थोड़ा संयम का परिचय देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी अधिक उत्सुकता या उत्साह के परिणाम से मंदिर ही बंद करना पड़ जाए। कई जगह ऐसा हुआ है, जो लोगों ने अति उत्साह में ज़्यादा भाव भक्ति दिखाए और कुछ घटनाएं घटी कि मंदिर बंद करना पड़ा। संक्रमण तेजी से फैल रहा है, और जहाँ कहीं भी जैनियों के मध्य संक्रमण आया है वहाँ जैन समाज बहुत तेजी से प्रभावित हो रही, क्योंकि समूह में रहने वाले लोग बड़े प्रभावित होते हैं। तो पर्युषण पर्व को हमें बहुत ही जिम्मेदारी से संपन्न करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। मंदिरों में दर्शन तो हो, पूजन न हो आम जनों के लिए। दर्शन करने के लिए भी लोग एक साथ न पहुंचे। मंदिर आप सुबह से शाम तक खोल सकते हैं, अपने अपनी सुविधा से आप मंदिर जाइए, वहां कोई द्रव्य मत चढ़ाइए। मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको श्रीफल तक नहीं चढ़ाने देता। आप बंदन कीजिए, द्रव्य मत चढ़ाइए, गुल्लक में द्रव्य डाल दीजिए, गुल्लक वाला द्रव्य चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप भगवान को ढोक दे करके आ जाइए, और कम से कम समय मंदिर में बिताइए। एक काम तो ये कर सकते हैं, महाराज जो 10 लक्षण व्रत कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे। तो व्रत आपका ही नहीं, अन्य समुदायों का भी व्रत आता है। अभी लोग गणेश का भी पालन करेंगे, इस वर्ष कहीं पंडाल नहीं है, तो जैनियों को भी तो इस बात का ध्यान देना होगा, और इसमें समाज को भी बचाना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या करे, व्रत भी हो तो दर्शन कर ले और घर में आके पूजा कर ले।
और ऑनलाइन तो कार्यक्रम चल ही रहा, आप उसका लाभ लीजिए ना। केवल स्थान तो बदलेगा और क्या होगा, वहीं बैठ करके पूजा करें ऐसी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है। देश काल की स्थिति को देख करके चलना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यदि दशलक्षण में सभी को मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी जाए तो एक एक मंदिर में 300-400 लोग पूजा करते मिलेंगे और वह स्थिति हमारी समाज के लिए बड़ा अप्रिय और भयावह होगा। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि लोग मंदिर जाए, दर्शन करें, बहुत है तो महार्घ चढ़ा ले, या मुनि महाराजों की चौका में जैसी पूजा करते उतनी पूजा कर ले, 1 से 2 मिनट की आपकी पूजा हो गई, और अपने घर से द्रव्य लेके जाए, अपना बर्तन लेके जाए, अपने में ही द्रव्य चढ़ाए और अपने घर लेके आए, वहां न छोड़े, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा है। और फिर घर में बैठ करके ठाट से पूजा करें, ऑनलाइन कार्यक्रम तो पूरे चल ही रहे हैं, यहां से भी चल रहे हैं, देश में अनेक स्थानों से चल रहे हैं, जो आपको पसंद है उस कार्यक्रम को आप अटेंड कर लीजिए, अपनी पूजा अर्चा आप संपन्न कर लीजिए, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपका व्रत भी पल जाएगा, और लोग मंदिर में ही जाकर के पूजा करना चाहेंगे तो ठीक नहीं है, महाराज अभिषेक तो होगा, तो इक्का दुक्का लोग अभिषेक करे, अभिषेक के टाइम में भीड़ ज़्यादा होती है, इसके लिए सबसे उत्तम तो यही है जो लोग प्रतिष्ठानों में दुकानों में नहीं जाते और जो व्रती हैं प्रतिमाधारी 1-2 उनको आप अभिषेक करने के लिए कह दीजिए, बाकी लोग अपने घरों में अभिषेक देखें। जिन मंदिरों में ज़्यादा वेदियाँ हैं वहाँ अगर आप इसे नियंत्रित तरीके से कर सके तो एक सलाह मैं देता हूँ, एक मंदिर में मान लीजिए 11 वेदियों में जितने लोग व्रत करने वाले हैं सवेरे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम स्लॉट बांट दीजिए, किसी भी वेदी में 3-4 आदमी से अधिक ना हो और उनको 15 मिनट से अधिक का समय ना हो, अपनी दूरी बनाते हुए लोग अलग अलग वेदियों में जो उनको समय दिया जाए उस समय आके पूजा कर ले। अगर इतने अनुशासन के साथ कोई पूजा करे तब तो उनका पूजा करने का मतलब है, और आपके द्वारा दिए जाने वाली ढील से कोई उसे उसका दुरुपयोग करे तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जो व्रत कर रहे हैं उनकी बात, और जो व्रत नया व्रत करना चाहते हैं तो अब नया व्रत अगले साल कर लेना, इस बार भाव से कर लो, जितना बने घर से कर लो, लेकिन व्यवस्था को न बदले। इसी प्रकार दैनिक पूजन के मध्य आरती, देखिए जयमाल पढ़ते समय लोग आरती जलाते हैं, वही आरती है दैनिक पूजन में कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी आरती करने के लायक समय नहीं है। आरती कभी करना हो घर तो आप या तो परिवार के साथ घर में करो, बाहर तो आरती करना ही नहीं, और आरती करो भी तो अपना दीप दूसरों को मत दो, दूसरों से दीप अपने मत लो, ये जरूरी है, नहीं तो एक दूसरे को दीपक दोगे तो हो गया, जल जाएगा तुम्हारा दूसरा दीपक, ठीक है ना। और सायंकालीन आरती और सुबह की आरती दोनों की बात है, धूप दशमी चतुर्दशी आदि के कार्यक्रम की बात है तो भाई धूप दशमी और चतुर्दशी की बात है, इसमें भी हमें केवल कुछ लोगों के मध्य कार्यक्रम करना होगा, सब ऑनलाइन कार्यक्रम कीजिए, समझ गए, घर में भावना भा लीजिए, धूप दशमी हो गई, नैमित्तिक क्रिया जो हमारी समाज की होती, समाज के 1-2 व्यक्ति मंदिरों में वो क्रियाएं कर ले, चतुर्दशी का अभिषेक भी 1-2 व्यक्ति कर दे, बाकी लोग ऑनलाइन देख ले, सारे कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं, मंदिर में भीड़ इकट्ठी करनी अच्छी बात नहीं है, और गंधोदक लेने देने की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंधोदक बार बार लेने से संक्रमण होने की संभावना है, अभिषेक हो देना ही नहीं। आपको बताऊं जब से संक्रमण हुआ है तब से मैंने आज तक गंधोदक नहीं लिया, 2-1 बार सागर में लिया, उसके बाद से गंधोदक ही नहीं लिया, जरूरत नहीं, वंदना कर लो ना, अनुमोदना कर लो एक दूसरे, मैंने केवल इसलिए नहीं लिया कि एक संदेश लोगों को जाए, आप एक दूसरे को गंधोदक लेने देने का कार्य बंद करें, ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है,
एक जगह मैंने देखा घंटे के साथ बड़ा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सेंसर लगा दिया घंटे से दूर, उसके दूर ऐसे हाथ लगाओ घंटा बजेगा, ये टेक्नोलॉजी है, बिना छुए घंटा बज रहा है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत योग्य है, एहतियाती कदम जितना उठाना है उठा सकते हैं, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और ये इसीलिए तो सारे कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया है, आप घर बैठे आनंद लीजिए। ऐसे समय में यदि आप आग्रह पकड़ते हैं तो वो उचित नहीं है, व्रती हो या अव्रति सबको संयम का परिचय देना चाहिए। मंदिर में दर्शन करते समय भी आप ऐसे समय जाइए जिस समय मंदिर में कम से कम भीड़ हो ही नहीं, भीड़ तो होनी नहीं चाहिए। 5 आदमी की बात की गई है, 5 से 6वां आदमी दिखे नहीं, ऐसी व्यवस्था करिए ताकि आप सबकी सुरक्षा हो, आप सबकी भलाई हो, नहीं तो इनसे बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलता है। कई प्रकरण ऐसे आए हैं कि मोहल्ले का मोहल्ला संक्रमित हुआ है, तो ऐसी घटनाएं ना हों, आप सब इसका ध्यान रखें। और जिनको इस सामूहिक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देनी है, लेना चाहते हो, संकल्पित हो जाए। कल मैंने आप सबसे कहा था कि मन का प्रमाद हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, आप संकल्प लोगे तभी सिद्धि होगी। आप सोचोगे घर में हम कर लेंगे, चलो तो आधा करोगे, आधे में मन इधर उधर भागेगा। इसलिए आपको चाहिए कि संपूर्ण कार्यक्रम के लिए आप संकल्पित हो जाएं और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दें। फॉर्म भर दिए तो आप शिविरार्थी हो गए, आप संकल्पित हो गए, उसका पूर्ण और आंशिक जितना भाग आप कर सकते हो उतना फॉर्म में भर दीजिए, तो वो आपका संकल्प आपको सारे कार्यक्रमों से जोड़ेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा।